हेलो, हाउ आर यू? फाइन। अब जो जो आपने बोला मुझे हिंदी में बोला। प्रिय दर्शक, अपनारा देखछेन आमादेर पेछने आमरा सेई कान सैकते दाड़िये आछि एबं कान सैकते एसे देखा हये गेलो एई समयेर असम्भव आलोचित एकटा सिनेमा लापता लेडिस। लापता लेडिसेर अन्यतम क्यारेक्टर तो बहुत कमाल की है कि लापता लेडीज़ और मंजू माई को इतना प्यार कर रहे लोग। यानी मंजू माई ने तो मुझे कहाँ के कहाँ पहुँचा दिया, लोगों के दिल में बसा दिया। शुरुआत तो मेरी 2006 में हुई थी, मराठी प्ले कर रही थी मैं, तो झुलवा नाम का नाटक था, तो मेरी शुरुआत उस नाटक से हुई है। शुरू में तो वही है ना कि अब लोग को लगता है कि स्ट्रगल, हाँ स्ट्रगल, और मुझे लगता है वो स्ट्रगल ज़रूरी होता है लाइफ में। तो मैंने एक एक सीन भी किया है, लेकिन उस वक्त मुझे वो एक एक सीन भी है ना, यानी एक फिल्म मिलने के बाद जो खुशी होती है ना, वही खुशी मुझे तब होती थी। और मैं कहना चाहूँगी, आज जो कुछ मेरे लाइफ में हो रहा है, आज मैंने सैराट की, फैंड्री की, लापता लेडीज़ की, मैं आज कैंस में हूँ, ये सब उस एक सीन की बदौलत। एक सीन की बदौलत। यस। वैसे ना मैंने कैमरा फेस फर्स्ट टाइम किया था, मुझे याद आ रहा है कि मैं किसी शॉर्ट फिल्म के लिए दूरदर्शन मैं मिलने गई थी। शरण बिराजदार उनका नाम है, किसी फ्रेंड ने बोला था कि वहाँ पर ऑडिशन यानी शुरू है या वो लोग आर्टिस्ट ढूंढ रहे, तो मैं वहाँ गई। तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि अरे यार कास्टिंग तो सब हो गया है, लेकिन एक एडी चाहिए थी, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। तो मन में तो ऐसे हुआ कि यार मैं तो एक्टिंग के लिए आई हूँ और आप असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए पूछ रहे हो। लेकिन उस वक्त है ना, ऐसे कोई बताने वाला समझाने वाला कोई नहीं था। तो फिर मैंने सोचा, या मेरे जो तब मेरे दोस्त थे उन्होंने बोला कि ठीक है तू ज्वाइन तो कर, कोई पहचान होगी वहाँ से, कुछ और निकल आएगा। तो मैंने बोला ओके। 2006 से पहले एक दो बरस या क्योंकि मैंने वर्कशॉप किया था 2001 में। लेकिन क्या होता है अगर हम ना पॉजिटिव सोच के किसी चीज़ के साथ हम जुड़ जाते हैं ना, तो अपने हिस्से का जो है ना वो अपने हिस्से में ही आता है। वहाँ शूट शुरू हुआ और फिर जिस कैरेक्टर के लिए मैं मिलने गई थी, तो कल उस कैरेक्टर के सीन शूट होने वाले थे और एक दिन पहले पता चला कि अरे वो एक्ट्रेस आ नहीं रही है। तो फिर डायरेक्टर ने बोला अच्छा आ रही है, तो फिर एक होता है ना किसी भी असिस्टेंट को खड़ा कर दो, तो उन्होंने बोला कि अच्छा या तू करशील का है? मैंने बोला हाँ। सो मैंने पहली बार कैमरा फेस उस शॉर्ट फिल्म के लिए किया था, हालांकि तब मैंने कैमरे का बस देखा भी नहीं था क्योंकि डर भी था। तो ऐसे था मेरा पहला कैमरा फेस करना। ये सवाल आपको किरण से पूछना चाहिए, लेकिन वही मैं बता रही हूँ ना कि किरण जैसी डायरेक्टर या आमिर खान खान जैसा प्रोडक्शन हाउस, ये उनके जो किरदार है लिखे हुए ना, तो उनको जो कैरेक्टर के लिए करेक्ट जाने वाले एक्टर है ना, वो कैसे भी ढूंढ के निकालते हैं। तो फिर से वही यही कहना चाहूँगी कि ये जो है, जो फैंड्री किया था, सैराट किया था, या हर काम आपको आपने जो पहले काम किया हुआ है ना, उसकी बदौलत ही दूसरा काम मिलता है। तो ऐसे ही शायद किरण फैंड्री की फ़ैन थी, आमिर सर फैंड्री के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो बस कमाल के लोग हैं, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर, उस टीम का हर एक बंदा बहुत ही कमाल है। आमिर जी एक्टर है, बहुत अच्छे परफेक्शनिस्ट है, किरण जी ने पहले असिस्ट किया हुआ है, तो इन सबको है ना
सब चीज़ों की है ना छोटी छोटी बातें उनको पता है कि कहाँ पर क्या एक्टर को प्रॉब्लम हो सकता है, सेट पे क्या हो सकता है ना, तो बहुत इजी हो जाता है इन लोगों के साथ काम करना। तो ये कमाल के लोग हैं बस। अरे लापता लेडी जैसी फिल्म के साथ जुड़ जाना, ये मेरे लिए, छाया कदम के लिए और एक एक्ट्रेस के लिए ना बहुत ही बड़ी बात है। यानी मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि इस प्रोजेक्ट के साथ मैं जुड़ गई हूँ, क्योंकि आपकी है ना सोच बहुत बदल जाती है अगर आपकी फिल्म, आपका कैरेक्टर लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा दे, लोगों को एक जीने की उम्मीद दे, तो इससे बड़ी बात क्या है। सिस्टर मिडनाइट और मेन कंपटीशन में ऑल वी इमेजिन एज लाइट, दोनों की एक अपनी अपनी अलग पहचान है। सिस्टर मिडनाइट के डायरेक्टर है करण कंधारी और ऑल वी इमेजिन लाइट की है पायल कपाड़िया। ऑल वी इमेजिन एज लाइट मैंने अभी तक देखी नहीं है, हम भी बहुत एक्साइटेड है कि कैसी बनी है, क्या है, क्योंकि है ना ये बहुत ही अलग तरीके का प्रोजेक्ट था कि बहुत एक एक सीन हम लोग ने बहुत अलग अलग तरीके से शूट किया है, तो एडिट पॉइंट से वो कैसे बना है और क्या बन के फिल्म आने वाली है तो वो देखने के बाद ही मैं बता पाऊँगी अपने फिल्म के बारे में। लेकिन अगर 30 साल बाद अगर इंडियन सिनेमा मेन कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट हुआ है, यस, तो कुछ तो ज़रूर होगा। यस यस, म्यूज़िक तो पसंद है, कुछ फिल्में भी देखी है और अभी आपसे बात कर रही हूँ तो आगे जाके काम भी करना चाहूँगी। हाँ बस ऐसे ही प्यार करते रहो, अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्में ही हमारा प्लस पॉइंट है, वो हमारा बहुत एक ना जो हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ है ना, तो वो है बस। यानी बहुत मैं ऐसे सिखाने के लिए नहीं बोलती हूँ, लेकिन मैंने आज तक देखा है ना कि अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई फिल्में लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर काम। थैंक यू सो मच टू जॉइन विद अस। एक बार बोले रखी, छाया कदम होच्छे सेई अभिनेत्री जिनी सम्प्रति मुक्ति पावा किरण राव परिचालित लापता लेडिसेर अन्यतम एक क्यारेक्टर। अपनारा हयतोबा चिनते पारछेन ना एखन ग्लैमारास छाया कदम के, जाके आपनारा देखेछेन ট্রেন স্টেশনে চা দোকানি অথবা সামথিং লাইক স্ট্রিট ফুড বিক্রেতার চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করেছেন, আপনারা মুগ্ধ হয়েছেন তার অভিনয়ে। আমরা শুনলাম তার কান, এবারের কান সফর নিয়ে এবং লাপাতা লেডি সম্পর্কে। ধন্যবাদ সবাইকে, মাহমুদ মঞ্জুর, কান, ফ্রান্স